नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के हाथों बीएसपी योजना के लाभार्थियों को, करीब 12 लाभार्थियों को दुकान की चाबी मिलने वाली है, जबकि मकान धारकों को अभी काफी लंबा वक्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। इस संदर्भ में महापौर ज्योत्सना हंसाले ने बताया कि बीएसपी योजना के लाभार्थियों को किस तरीके से कब कब फ्लैट देने वाले, आइए जानते हैं मेरे साथ सिटी न्यूज की रिपोर्ट। साथ ही ये भी देखिए कि ट्रांजिट कैंप के संदर्भ में उनकी क्या है राय और ट्रांजिट कैंप में जीने वाले किस तरीके से नर्क की जिंदगी जी रहे हैं, जिसे महापौर ने भी मीरा रोड आरक्षण क्रमांक 300 इस जगह पर स्वर्गीय प्रमोद महाजन इनके कला दालन का शुभारम्भ विरोधी पक्ष नेता और हमारे नेता माननीय विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस साहब इनके हाथ शुभ हाथों से होने जा रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि प्रशासन के माध्यम से ये काम जल्दी ही 5 तारीख को उसका शुभारंभ हम कर रहे हैं। इस कला दालन के लिए 23 कोटी रुपया खर्चा है, मगर पहले टप्पे में उसका हम लोग 5 कोटी का निधि उसके लिए लगा रहे हैं। उसी प्रकार मीरा भाईंदर शहर की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ऐसी परिस्थिति में पूरे शहर में इमारती भी अच्छी अच्छी इमारती बन रही है, उसमें बड़े तेज़ी से शहर का विकास इस मीरा भाईंदर क्षेत्र में हो रहा है। ऐसे समय पे प्रशासन के माध्यम से भी एक अच्छी पहल हो रही है कि अग्निशमन विभाग की TTL गाड़ी, टर्न टेबल लैडर गाड़ी जो यहाँ पर 5 फरवरी को हम ला रहे हैं और उसका ओपनिंग भी माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब उनके शुभ हाथों से हो रहा है। उसी प्रकार मीरा भाईंदर क्षेत्र में BSP योजना के अंतर्गत जो हमारे लाभार्थी 5 फरवरी को माननीय देवेंद्र फडणवीस उनके हाथों से होने जा रहा है गाले की चाबियाँ उस दिन देने वाले हैं। आप BSP योजना के लाभार्थियों को चाबी देने जरूर जा रहे हो, लेकिन इससे नर्क की जिंदगी, बदतर जिंदगी जीने में जी रहे हैं ट्रांजिट कैंप के लोग। उन्हें ना तो पानी मिलता है, ना साफ सफाई की व्यवस्था है, वो यहाँ आकर रो रहे हैं। उनके ऊपर कब ध्यान जाएगा पालिका का? ऐसा है, जितने भी शिफ्टिंग में लोग रहते हैं, सही में आपने जो कहा ये बात सही है कि वहाँ के लोगों को उस स्थिति में रहने के लायक वो घर अभी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो जब घर बांधे थे उसकी कैपेसिटी 2 या 3 साल की थी सिर्फ, और उस पर 50 लाख रुपया हर साल महानगर पालिका खर्चा करवाती है। मगर जब ये बात हमारे निदर्शन में आई, हमने उसमें सर्वे किया प्रशासन के माध्यम से फिलहाल 2 महीने पहले ही, और उसमें मैंने प्रशासन को यही आदेश दिया हुआ है कि जितने भी यहाँ के लाभार्थी हैं उनको पहले तो MMRDA के जो हमारे पास घर आए हुए हैं, फ्लैट आए हुए हैं, उसमें शिफ्ट करो। और वैसा सर्वे वहाँ पे शुरू है। आज RTO शिफ्टिंग के पीछे के जितने लोग हैं उनको हम SK हाइट चेकनाका पे जो है उसमें हम दे रहे हैं फ्लैट, और उसी प्रकार बाकी के जो लोग बचेंगे उनको भी हम दरवेश बिल्डिंग में देने के प्रशासन के माध्यम से कोशिश है। मैडम, एक अलग सवाल है कि कल भाजपा के 14 नगर सेवक बिना महापौर उपमहापौर गट नेता के आयुक्त से जाकर के विकास कामों पर चर्चा की, क्या ये चर्चा महापौर उपमहापौर गट नेता के साथ की गई थी क्या? नहीं, या फिर भाजपा में 2 गुट माना जाए? नहीं नहीं, बोला 2 गुट माना जाए तो ये आपके मुख से सवाल निकला है, 2 गुट है नहीं। और रही लोक प्रतिनिधि की बात, वो 10, 12, 14 जो भी थे वो आपके पास संख्या आई है, और हर लोक प्रतिनिधि को वो हक है कि वो आयुक्त से जाके मिले और अपना प्रभाग के अंदर काम के विषय में लेके जाके उनसे चर्चा विषय कर सकते हैं। BSP योजना में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है ऐसा आरोप लग रहा है, और रोजाना सैकड़ों लोग नगर पालिका में आके धरना मोर्चे की धमकियाँ दे रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जो लाभार्थी है स्थानिक की बजाय बाहर के लोग हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है ऐसा बोलना कोई भी बोल सकता है, मगर ऐसा हुआ है भ्रष्टाचार तो उसके कागज़ पत्र या उसका पुरावा प्रशासन के पास या मेरे पास देते हैं तो उस पर जरूर एक्शन होगी और मैं खुद उसके ऊपर एक्शन लूँगी। और मैडम, सवाल ये पैदा होता है कि 15 से 20 साल बाद ट्रांजिट कैंप में जो रह रहे 2000 से 2200 लोग, और कुल मिलाकर के अभी बना है 300 से 350 फ्लैट,
और भी तो लोग बाकी, उनका कब भविष्य बनेगा, उन्हें कब फ्लैट मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? मिलेगा, सवाल ही नहीं, मिलेगा मतलब हम जब तक है तब तक उनको दिला के ही रहेंगे, ये मेरा वचन है। नहीं नहीं, इसके बावजूद फिर भी मोर्चे क्यों निकल रहे हैं आप, उनको समझाने में कम पड़ रहे हैं इसका मतलब? जरा भी नहीं, हमने बार बार मीटिंग ली हुई है, नगर सेवकों ने मीटिंग ली हुई है। अभी देखिए ऐसे है कि वहाँ पे बहुत सारे पक्ष के लोग काम करते हैं, बहुत सारे समाज सेवक है, और बहुत सारे लोगों में ऐसी थोड़ी जो सहन शक्ति जो है वो अभी कम हो गई है। लोगों, हर व्यक्ति को चाहिए कि मेरा घर पहले मुझे मिले, तो ऐसे नहीं होगा। जो नियोजन किया हुआ है, जो पद्धति प्रशासन के माध्यम से बनाई गई है, उस हिसाब से लोगों को घर मिलेंगे, और हम सभी लोगों को घर देने वाले हैं। जिनके घर टूटे हुए हैं, जो लोग बेघर हुए हैं, सबको प्रशासन ने घर देने का आश्वासन दिया है। हमने स्थानीय नगर सेवक होने के नाते आश्वासन दिया है, और हम देके रहेंगे।